जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कार्मिकों व किराना विक्रेताओं द्वारा आवश्यक सेवाएं मुहैया करवाना जारी रहेगा। इसी के तहत जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से कहा कि वे संबंधित पुलिस कार्मिकों को निर्देशित करें कि वे जिले में दूध डेयरी संचालकों व दूध विक्रेताओं को मार्ग पर नहीं रोका जाए। वहीं पशु आहार विक्रेताओं की दुकानों को बंद नहीं करवाया जाए तथा पशुपालकों को पशु आहार क्रय कर लाए जाने को भी नहीं रोका जाए। साथ ही किराना विक्रेताओं की दुकानों को बंद नहीं करवाया जाए तथा संबंधित क्षेत्र के थाना अधिकारी द्वारा किराना विक्रेताओं को अपने स्तर पर पास जारी करने हेतु अधिकृत करे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े चिकित्सकों एवं कार्मिकों को नहीं रोका जाए तथा दवा विक्रेताओं व विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के चिकित्सकीय कार्य हेतु चिकित्सालय जाने हेतु उसे भी नहीं रोका जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर जिले के लिए राहत की खबर है। जिले में कोरोना संक्रमण वायरस से संदिग्ध 8 लोगों के सैंपल अभी तक लिए गए हैं। सभी सैंपल की जांच आ चुकी है। सभी 8 सैंपल की जांच नेगेटिव आई है। इस पर जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन व आम जन ने राहत की सांस ली है। अपने चूरू जिले में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो अपने जो जिला प्रशासन की टीम और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीम जो काम कर रही है, DVS भटिया में सैंपलिंग यूनिट का काम चल रहा है। अभी तक 8 सैंपल आए थे, 8 सैंपल संदिग्धों के लिए गए थे, जो 8 सैंपल निगेटिव आए। हाँ, अभी तो चल रहा है। अपने जो जितने अपने ट्रेवलर हैं, 1300 से ऊपर अपने जो ट्रेवलर आए हैं प्रोजेक्ट में रिकॉर्डेड, उनका अपने क्योंकि हम आइसोलेट कर रखा है और उसके कारण अपने ने क्योंकि प्रशासन की मॉनिटरिंग, चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग है और अभी तक जिले में नील रिपोर्टर। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। इस असर को दूर करने व गरीब किसान व जरूरतमंदों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। घोषणा के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। कोटि कोटि धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की जनता को। प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज के माध्यम से 1,70,000 करोड़ की राशि देने के लिए देश के 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने के लिए 5-5 किलो अनाज मुफ्त, मैं समझता हूँ सौगात है उन गरीबों के लिए। यानी देश की 1/3 जनता, ग्रामीण जनता के पास ये सारा अनाज पहुंचेगा 3 महीने के लिए। देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, गैस का सिलेंडर पहुंचना, मनरेगा की मजदूरी में एक साथ 20 रुपए की वृद्धि कर देना और 5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 2,000 रुपए एकमुश्त दे देना और 20 करोड़ हमारी महिलाओं को जनधन योजना के माध्यम से 3 महीने के लिए 500-500 रुपए प्रति महीना देना, ये बहुत बड़ा कल्याण का काम किया है। गरीब वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांग को एकमुश्त 1,000 रुपए की सहायता देना, ये गरीबों को इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए संबल दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। आपका आम जन के प्रति जो व्यक्तित्व लगाव दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ देश की जनता इसको कभी भूलेगी नहीं। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के आदेशों का असर लोक पर्व गणगौर पर भी देखने को मिला। धुलंडी से शुरू हुए 16 दिवसीय गणगौर पर्व का समापन आज हुआ। नवविवाहिताओं, महिलाओं एवं युवतियों ने घरों में ही रहकर गणगौर माता व ईश्वर का पूजन किया व माता की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे सभी लोगों को बचाव करना चाहिए, तो इसीलिए प्रशासन की ओर से हम लोगों ने घर में ही गणगौर का ये सब किया है, विसर्जन किया है। तो मेरी भी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस को थोड़ा सीरियस लेते हुए इसका ध्यान रखें और लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें और मास्क का, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। वहीं रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा गणगौर के पर्व पर आयोजित होने वाला मेला भी इस बार स्थगित कर दिया गया।
पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पना कांत ने नगर पालिका भवन के कमरे में चार लोगों की उपस्थिति में ईश्वर व गणगौर की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का समापन किया। प्रदेश में लॉकडाउन है, कोरोना वायरस को लेकर के और सतर्कता बरती जा रही है, तो इसी सतर्कता का पालन करते हुए और नगर पालिका रत्नगढ़ ने इस बार गणगौर के मेले का आयोजन है उसको रद्द कर दिया है और सवारी नहीं निकाली जाएगी। और जो हमारी बहनें हमारी माताएं गणगौर का पूजन कर रही हैं उनको हमने ये अपील की है उनसे और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि वो घरों में ही और गणगौर का पूजन करें और इस आस्था के साथ करें, इस भावना के साथ करें, इस मनोकामना के साथ करें कि गण और गौरी जो दोनों हैं वो हमारे लोक की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें और हमारे देश जो इस महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी को लेकर पूरा सतर्क बना हुआ है, उस देश में ऐसी महामारी नहीं फैले, लोग इससे संक्रमित ना हो, ऐसा गणगौर माता हमारे लिए हम पर कृपा करें, तो निश्चित रूप से गणगौर है वो सार्थक होगी। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि वो अपने ही घरों में और गणगौर की पूजा अर्चना करें और यह भी मेरा आग्रह रहेगा कि पूजन के वक्त भी अतिरिक्त महिलाएँ वहाँ पर इकट्ठी ना हो और जितनी महिलाएं रहे वो कम से कम है वो 3 फुट की 4 फुट की दूरी पर रहें और रहकर पूजन पाठन करें और अपने घरों में ही और उसके विसर्जन का कोई उचित व्यवस्था बनाए, ऐसा हमने लोगों से कहा है, ऐसा हमारे माता बहन ने। चूरू में यूको बैंक के पास राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में गुरु गोरखनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चूरू द्वारा विश्व में कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन होने से जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का आजीविका विकास परिषद में पैकेज तैयार किया जाता है। विकास परिषद की मैनेजर सुमन स्वामी ने बताया कि पैकेज में दाल, मिर्च, हल्दी, धनिया, आटा व चावल आदि सामग्री तैयार की जाती है। वहीं तैयार पैकेज को हर शाम जरूरतमंद लोगों को प्रशासन द्वारा वितरित किया जाता है। ये हमारी कंपनी है राजीविका के थ्रू बनी हुई ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के द्वारा ये कंपनी तैयार की गई है। गुरु गोरखनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसका नाम है। और आज जब अपने पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है उसमें अपनी राजीविका की महिला आगे से आगे बढ़कर अपना पूरा योगदान दे रही है। इसमें क्या सब लोग घरों में बैठे हैं लेकिन अपनी बहनें भाग दौड़ करके सब ये राजीविका की कंपनी में आके यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार कर रही है ताकि अपने घर पे बैठे हुए गरीब परिवारों तक ये राशन पहुँचा सके। इसमें हमारे कलेक्टर साहब भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे DPM सर बजरंग जी है वो मैनेजर है यहाँ के, वो भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से महिलाएं यहाँ बैठ के अपना सामग्री तैयार कर रही है और वो सामग्री अपने गरीब परिवारों तक पहुँचाने का कार्य राजीविका की बहनें पूरे जोर शोर से कर रही है। हम भी ये चाहते हैं कि अपना कोई थोड़ा सा भी वक्त अपने गरीब परिवारों के लिए दे सके, तो इसलिए ये बहनें ना पूरा सहयोग कर रही है इसमें। बीदासर उपखंड के गांव ढाणी कालेरा में गुरुवार शाम को बोरवेल में गिरे 3 वर्षीय सुभाष को आज सुबह करीब 5 बजे मृत अवस्था में बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को बीदासर थाना क्षेत्र के गांव ढाणी कालेरा निवासी सोहन राम गढ़वाल का 3 वर्षीय पुत्र सुभाष खेलते हुए करीब 550 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। इसके बाद ग्रामीणों और प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही चूरू SP तेजस्वी गौतम, ASP सीताराम माहिज, DSP नरेंद्र शर्मा, बीदासर उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा, बीदासर तहसीलदार अमीलाल यादव मौके पर पहुंचे और बोरवेल में फंसे सुभाष को बचाने के प्रयास शुरू किए। प्रशासन ने पाइप के माध्यम से बोरवेल में फंसे सुभाष तक ऑक्सीजन पहुंचानी शुरू की। इसके बाद रात करीब 2 बजे बीकानेर से SDRF व अजमेर से NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 5 बजे दोनों टीमों ने बोरवेल से सुभाष के मृत शरीर को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन के दौरान शहर के युवा कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर, सफाईकर्मी और पुलिस कर्मियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहर की छोटी बड़ी चाय पानी की सभी थड़ी दुकानें बंद है। शहर के युवाओं का मानना है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये लोग घरों में न रहकर हमारे लिए खड़े हैं, ऐसे में हमें आगे आकर इनकी जरूरतों और चाय नाश्ते की व्यवस्था को बखूबी निभाना चाहिए। ये आज की जो देश की परिस्थिति चल रही है, देश जो संकट के समय से गुजर रहा है उसमें ईश्वर की कृपा से हमें सौभाग्य मिला है जन सेवा का
जिसके लिए हम तत्पर हैं। आज पिछले 3 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोग ना चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो भी हमसे हो सक रहा है, हम पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे जो आज के शासक हैं, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन सब की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो निचले वर्ग के लोग बाग हैं, जो उनको भी हम चाय, नाश्ता, खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं पिछले 3 दिनों से। राजल देसर में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की ओर से वर्तमान में चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं चिकित्सा कर्मी को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए समाज के खेमचंद वर्डिया व पवन बोथरा ने एम्बुलेंस व ड्राइवर की व्यवस्था करवाई है। इस व्यवस्था के लिए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी व थाना प्रभारी सुरेंद्र राणा ने भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। जैन समाज की तरफ से श्वेतांबर समाज ने हमें क्या है कि एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, जिससे कि राजल देसर में बाहर से आने वाले जो विदेशों से और जो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, उनका हम क्या है कि समय पे स्वास्थ्य निरीक्षण कर सके सुबह शाम, जिसके लिए इनके लिए हम इनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। एम्बुलेंस हमारे राजलेसर की जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अंतर्गत है। इसको हम आज लोक साहब को, हॉस्पिटल को एक बार के लिए दे रहे हैं कि जो पेशेंट घरों में है या संक्रमित है या जो पेशेंट है जिनको देखने के लिए रोज हॉस्पिटल का स्टाफ जाता है, उनके लिए इसको यूज में किया जाएगा। इसका ड्राइवर सभा की तरफ से रख दिया गया है और जो भी पेशेंट होंगे वो डॉक्टर साहब उनको देखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए इस एम्बुलेंस का उपयोग करते रहेंगे। देश में 21 दिन तक लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद रोजी रोटी की तलाश में रतनगढ़ से बाहर गए लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। ये लोग किसी तरह अपने घरों में आने की जुगत में लगे हुए थे। ऐसे ही लोगों को गुरुवार की शाम रतनगढ़ पुलिस ने बस स्टैंड व घंटाघर के पास रोका। एक ट्रक व 2 पिकअप में सवार होकर आए 70 लोगों को अस्पताल में लाकर उनके स्वास्थ्य की जाँच की गयी। वही लोगों को हिदायत देते हुए 28 दिनों तक घर में ही रहने के लिए पाबंद किया गया है। वहीं राजल देसर में भी 4 युवक गुजरात के सूरत से रवाना होकर आज कस्बे में पहुंचे हैं। वहीं कस्बे में पहुंचते स्थानीय चिकित्सालय विभाग की टीम ने युवकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। युवकों ने बताया कि हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल व पैदल ही अपने घरों का रुख कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम सूरत से आए। किस में सवार होकर आए? बाइक पे सवार हो गए। कितने लोग आए हो? बाइक पे कम से कम 50 लोग बाइक पे सवार। कौन सा गांव आपका? गांव हमारा बिना देसर है, बाकी 7 लोग हैं वो दूसरे गांव के। आप बिना देसर के कितने हो? बिना देसर के हम 2 आदमी। आप मोटरसाइकिल पे कितने लोग आए? बिना एक बाइक पे 2 आदमी। बहुत ही भयंकर भीड़ थी, इतनी जहाँ पर संख्या रोड पे उतर गई थी, उसमें लगी थी। कई तो पर्सनल गाड़ी लेके आए थे, कई मोटरसाइकिल लेके आए थे। बाद में गुजरात सरकार ने, विजय रूपाणी ने सभी को प्राइवेट गवर्नमेंट बसों में यूपी बिहार भेजे थे। आप कहाँ से आए थे? वापी। किस पे सवार होकर आए? पर्सनल गाड़ी लेके आए थे। निश्चित रूप से यह एक संकट की घड़ी है। सरकार भी सभी को अपने घरों में ही रहने की हिदायत दे रही है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे कामगार अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनको वहां खाने और रहने की भी समस्या हो रही है। त्रिनेत्र टीवी की ओर से हमारा राजस्थान सरकार व स्थानीय प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे फंसे हुए लोगों को घर पहुंचाने का प्रयास करें। केंद्र व राज्य सरकारें इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से आह्वान कर रही है कि वे अपने घरों में ही रहें। इसी आह्वान को लेकर राजल देसर के सुंदरकांड वाचक मनोज मारू ने भी संगीत के माध्यम से लोगों से अपील की है। करोना से जंग
खाते हम सब कसम अपने घरों में रहेंगे हम वादा निभाना है कोरोना हराना है वादा निभाना है कोरोना हराना है मिलकर खाते हम सब कसम कोरोना का हम तोड़ेंगे दम अपने घरों में रहेंगे हम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे जिला कलेक्टर संदेश नायक की अपील पर कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए सक्षम दानदाताओं व भामाशाहों की ओर से जन सहयोग जारी है। इसी क्रम में आज लोहिया कॉलेज में विधि प्रवक्ता रहे स्वर्गीय महावीर सिंह यादव के शिष्यों की ओर से अभिभाषक अभिषेक टावरी ने 21,000 रुपये का चेक जिला कलेक्टर संदेश नायक को प्रदान किया है। इसी प्रकार चूरू कपड़ा व्यापार मंडल की ओर से भी सुनील भाऊवाला ने 51,000 रुपये प्रदान किए तथा सिंधी पंचायत चूरू की ओर से 51,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समस्त विकास अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों के आयुक्त व दिशाशी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर नहीं सार्वजनिक स्थलों पर ही सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड का छिड़काव करना सुनिश्चित करें। सुजानगढ़ में मुंबई से आए हुए एक संदिग्ध को चूरू रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दूलियाबास का एक व्यक्ति जो मुंबई से सुजानगढ़ आया था जिसकी सूचना मिलने पर पीएमओ सुजानगढ़ की मेडिकल टीम व्यक्ति के घर पहुंची व अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर दिलीप सोनी ने जांच की और उसे चूरू के लिए रेफर कर दिया। अभी भी चिकित्सालय में अपने सुजानगढ़ से हरीश नाम के व्यक्ति को लेकर आए थे जिसके बारे में पूछने पर यह पता लगा कि यह व्यक्ति पिछले 10-15 रोज से मुंबई गया हुआ था वहीं इसको कुछ तकलीफ शुरू हुई थी। वहाँ इसने अपना इलाज भी करवाया था। वहाँ के कागजात देखने पर यह ज्ञात हुआ है कि इस मरीज को टीबी की बीमारी रही है जिसका अभी इलाज चल रहा है। अभी इसको थोड़ी सी सांस में तकलीफ थी और बुखार थी, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए इसे चूरू भिजवाया गया जहाँ इसका परीक्षण होकर ये पता लग सके कहीं इसमें कोरोना तो नहीं है, क्योंकि टीबी जैसी बीमारियाँ जिन मरीजों को साथ होती है उनमें कोरोना बहुत अधिक घातक हो सकता है, इसलिए हमने सावधानी बरतते हुए इसको चूरू मेडिकल कॉलेज रेफर किया। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की आशंकाओं को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों गरीबों झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज तारानगर में भामाशाह सुरेश चौधरी के आर्थिक सहयोग से चौधरी अतिथि भवन में 10 किलो आटा दाल व सैनिटाइजर बोतल करीब 150 जरूरतमंदों व गरीब परिवारों में वितरित किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी ने बताया कि तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के निर्देशन में भामाशाह चौधरी सहित अन्य भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से उक्त सामान का वितरण किया गया है। मजदूर गरीब ऐसा लोगों को जो प्रतिदिन झाड़ी का काम करते हैं और 5-7 दिन के खाने के सामान के पूर्णतः घरों में सामान नहीं था, उन लोगों को 10-10 किलो आटा, 1 किलो दाल और हैंडवाश के लिए सैनिटाइज दिया गया है। ये पूरा का पूरा आज 150 आदमियों को सामान दिया गया है जो हमारे तारानगर के लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र जी बुडानिया की अभिशंसा पे उनके आदेशानुसार हमारे तारानगर के भामाशाह आदरणीय सुरेश जी चौधरी के द्वारा आज ये सामान उनके आर्थिक सहयोग से वितरित किया गया। सुजानगढ़ के गोपालपुरा रुपेली के बीच एक स्विफ्ट कार के खेजड़ी के पेड़ से टकराने से उसमें सवार 3 जनों में से एक की मृत्यु हो गई तथा 2 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हरदयाल पुत्र नेमाराम, राजू सिंह पुत्र विजय सिंह व आमीन पुत्र अयूब चौहान स्विफ्ट कार में सवार होकर चाड़वास से गोपालपुरा की ओर आ रहे थे। गोपालपुरा से करीब 1.5 किलोमीटर पहले स्विफ्ट कार खेजड़ी से टकरा गई जिससे उसमें सवार हरदयाल की मौके पर ही मौत हो गई व राजू सिंह व आमीन घायल हो गए।
रतनगढ़ के पुलिस कर्मी के साथ आज सुबह गांव बीरमसर में कुछ लोगों ने मारपीट कर बदतमीजी की। पुलिस कर्मी के साथ हुई मारपीट के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस जाप्ता ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के गांव बीरमसर चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल हेमराज चौधरी को कल शाम बीरमसर में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे हेमराज ने लोगों को समझाइश कर घर भेजने का प्रयास किया। इसी दौरान गांव बीरमसर के कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की थी। कल चौकी इंचार्ज बीरमसर है, वो ड्यूटी पे थे, तो उनको सूचना मिली कंट्रोल रूम से, एक शर्मा जनरल स्टोर है वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो वहाँ पे चले गए तो वहाँ भीड़ नहीं मिली, तो फिर बताया कि मोहल्ले में भीड़ इकट्ठी हो रही है। उस जगह पे गए तो वहाँ पे काफ़ी आदमी इकट्ठे हुए थे, उनको कहा कि भाई आप लोग यहाँ इकट्ठे मत रहो और अपने अपने घरों में चले जाओ, तो फिर उनमें से कुछ तो आदमी हैं वो भाग गए थे, और फारूक है, आसिफ है, पीरू खां है, मुश्ताक है, रमेश है, श्री राम है, ये 6-7 आदमी हैं, इन्होंने हेड कांस्टेबल हेमराज के साथ में बदतमीजी कर ली, उनके साथ मतलब मारपीट करी, उनके राजकार्य में बाधा डाल दी। उन्होंने आज ये मुकदमा दर्ज करवा दिया, और इस मुकदमे में अनुसंधान के दौरान बाद अनुसंधान इन 6 मुलजिमों को तो अरेस्ट करके अब जेसी करवा दिया। जिला मुख्यालय पर आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने नगर परिषद में एक फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बताया कि शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य से इस फूड वैन का संचालन किया जा रहा है। वहीं फूड वैन के ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर भी लिख दिए गए हैं, जिसको भी अगर राशन सामग्री की जरूरत हो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेगा तो यह गाड़ी उनके घर पहुंचेगी और राशन सामग्री वितरित करेगी। चूरू नगर परिषद के द्वारा आज जो नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी गरीब व असहाय लोग हैं उन लोगों के लिए आज ये फूड वैन चालू की गई है, जिसमें शहर के मुख्य भामाशाहों व नगर परिषद के सभी कर्मचारियों का योगदान है, और ये जो वैन है वो होम डिलीवरी करेगी। जिन जिन ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकता है खाद्य पदार्थों की, वो एक हेल्पलाइन नंबर इस पर दिया गया है, उस पर कॉल करें और जो नगर परिषद की ये गाड़ी है उनके घर पर जाएगी और ये राशन सामग्री जो है वो उन्हें डिलीवर करेगी। सुजानगढ़ में आज प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ एनके लोहिया स्टेडियम में वार्ता की गई। वार्ता के दौरान एएसपी सीताराम माहेश ने व्यापारियों से कहा कि अधिक दर पर सामान नहीं बेचे तथा अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट लगाए। प्रशासन व दुकानदारों की आपसी सहमति से राशन की दुकानें रोजाना सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रशासन ने खाद्य सामग्री ढोने के लिए लोडिंग टेम्पो चलाने की अनुमति दी है। लेकिन रेट ज्यादा किसी भी सूत्र नहीं लोगे, ये दोनों तरफ क्या है, मानेगा पुलिस वाले अगर आपको रोकते हो तो हम कार्रवाई करेंगे। आप रेट ज्यादा नहीं लोगे, रेट ज्यादा लोगे तो कानूनी कार्रवाई। आप अपने दुकान में आप जिस प्रकार से बोल रहे हो तो अगर लिस्ट नहीं लगाया तो लाइसेंस निरस्त हो सकता है आपकी दुकान का। सही है साहब, अरे 500 भी आप हजार रखते हो, अरे मेन में चाय चीनी आटा उसकी तो लगाओ। ये बात आप ये सही नहीं है, कानून ये है कि जो चीज बेचोगे उसकी लिस्ट हो, कानून ये कहता है। हाँ हमारी मर्जी है बेचा खाली कम हजार चीज रखना, तो सुनो मेरी बात, हजार की चीज की दुकान होनी चाहिए, हजार चीज की आपके पास नौकरी होनी चाहिए, ऐसे ही हजार चीज नहीं रख सकते आप। सबका नियम बना हुआ है, नियम से भेदभाव मत बोलो, नियम से भेदभाव। सरदार शहर में आज गौशाला समिति की ओर से सब्जी मंडी में कपड़े के थैले वितरित किए गए। इस अभियान का शुभारंभ करते हुए उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने गौशाला समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिया कि पॉलीथीन थैली का उपयोग ना करें। इस अवसर पर गौशाला समिति के जगदीश प्रसाद जयसंसरिया, पवन पोदार सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। ये सब्जी राशन की दुकानें जो है वो प्रॉपर खुल रही है, इनके बहाने ले लेकर जो ये यूथ घर से बाहर जा रहा है ये ना निकले,
जिनको वास्तविक जरूरत है वहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोरोना से बचाव ही इसका उपचार है। इसमें हमारी मीटिंग हुई थी कल व्यापार मंडल के साथ, तो हमने जो शहर में अभी पिछले दिनों पानी भरने की समस्या को लेकर चर्चा की थी, अब चूंकि सभी लोग अपने घरों में हैं, बाज़ार में कोई आ भी नहीं रहा है तो पानी भी नहीं भर रहा है, तो हमने एक हमारा जो दुश्मन कौन है जो पानी यहाँ पे सड़क पे लाता है, हमने अब ढूंढ लिया है, वो केवल पॉलीथीन है और अब हम इसको सख्ती से लागू करेंगे लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन में पॉलीथीन पर सख्ती करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा सभी जनता से, ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं वैसे, साथ भी देंगे, तो मैं उम्मीद करूँगा कि भाई हम पॉलीथीन मुक्त सरदार शहर करेंगे।